नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग सुजुकी जिक्सर 125 के बारे में। जिक्सर 125 अभी आपको ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलती है, जहाँ पर इसकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी 125 सीसी सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है और सभी कंपनियां अपनी 125 सीसी बाइक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। और सुजुकी के पास अभी 125 सीसी सेगमेंट में कोई भी अच्छी बाइक नहीं है, तो ऐसे में सुजुकी अपनी जिक्सर 125 को काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक की सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल BS6 FI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा 11 BHP के अप्रॉक्स पावर और 10.4 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक पावर देखने को मिलेगी और इसमें आपको 5-स्पीड का गेयरबॉक्स भी देखने को मिलेगा। तो ये बाइक यहाँ पर डेली कम्यूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। बात कर लें अगर इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। बात कर लें अगर इसकी माइलेज के बारे में, तो इससे आपको सिटी में इजीली देखने को मिल जाएगा 55 से लेकर 60 km तक का माइलेज। वहीं आपको हाईवे में देखने को मिल जाएगा 60 से लेकर 65 km तक का माइलेज। तो इससे आपको सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके मॉडल के बारे में। तो इसमें आपको 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा मस्कुलर लुक देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में आपको मोनोशॉक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में फर्स्ट इन द सेगमेंट फुल्ली LED हेडलैम्प और LED DRL, रियर में LED टेल लैम्प, लेकिन इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, ब्लूटूथ जैसे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इसके टैंक पर आपको टैंक काउल और नीचे की साइड में आपको इंजन काउल भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक और काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो ग्लैमर 125 की एक्सरूम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 90,000 रुपीज़ से लेकर 95,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है, तो ये बाइक यहाँ पर इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाली है। और इसका सीधा कंपटीशन यहाँ पर NS125, SP125 और Glamour 125 से रहने वाला है। और ये बाइक कहीं ना कहीं इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर रहेगी, क्योंकि इसमें आपको 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्रेसिव लुक, काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स और काफ़ी अच्छा माइलेज भी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहां पर 125 सीसी सेगमेंट में कोई डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक परचेस करने की सोच रहे थे, तो आप लोग इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको इस ईयर के एंड तक या फिर 2022 के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।